आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, इलाहाबाद से राजी की खास खबर पर एक नजर। सीएमपीजी कॉलेज के एलएलबी छात्र सत्येंद्र प्रताप की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई और हत्यारों को 50 लाख की आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा व्यवस्था ना होने पर, प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई ना किए जाने पर आज छात्र संघ अध्यक्ष ऋषभ सिंह यादव के नेतृत्व में सीएमपीजी कॉलेज के सामने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से उत्तर प्रदेश सरकार को खास करने के राष्ट्रपति शासन लागू करने की छात्रों ने मांग की। इस कार्यक्रम में अन्य छात्र नेतागण उपस्थित रहे। उप महामंत्री अभयराज यादव, रोहित, राहुल पटेल, विकास, विवेका, आकाश, शिवम, शैलेश, नरेश, अविनाश, शुभम, विपिन, ओम प्रकाश, सौरभ, गौरव, अन्य छात्रगण उपस्थित थे। प्रदेश सरकार का इसलिए पुतला दहन किया कि हम लोगों के बीच हम लोगों का साथी स्वर्गीय सत्येंद्र प्रताप सिंह, जो सीएमपी डिग्री कॉलेज एलएलबी फर्स्ट ईयर का छात्र था, जो कि उसकी 3 दिन पहले जारस्टाउन थाने से 200 मीटर के अंदर उसकी दिन दहाड़े 8 बजे हत्या कर दी गई और अभी हत्या करने वाला आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और हम लोगों की सरकार से मांगे थी कि पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपया का जुर्माना दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा दी जाए, लेकिन अभी तक ना कड़ी सुरक्षा मिली, ना परिवार को मुआवजा मिला, ना कि सत्येंद्र प्रताप सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी हुई। आपकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा।